ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। अभी इंडी अलायंस दो दिन से मैं देख रहा हूं, सत्ता आपको चाहिए मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। दो दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है।